कल्पना सोरेन और हेमंत सोरेन, दोनों व्यक्तियों का बहुत ज्यादा परिश्रम और मेहनत किया जाना और कॉन्फिडेंस ऐसा रिजल्ट लाया। पिछले 20 सालों में पहली बार ऐसा मुकाबला हुआ है, इसलिए श्रेय उन्हीं का जाता है। झारखंड विधानसभा चुनाव के परिणाम आ चुके हैं। इंडिया गठबंधन ने चुनाव में बड़ी जीत दर्ज की है। बिशुनपुर में जेएमएम के चमरा लिंडा ने दर्ज की जीत, उन्हें कुल 1,336 वोट मिले हैं। बीजेपी के समीर उरांव ने कुल 67,580 मत प्राप्त किए हैं। दोनों लोगों के बीच हार जीत का अंतर 32,756 रहा है। वहीं मीडिया से बात करते हुए विधायक चमरा लिंडा ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन को जीत का श्रेय दिया। इस बार कल्पना सोरेन और हेमंत सोरेन भारत के प्रमुख लीडर्स जी, बड़े बड़े लीडर्स, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, मुख्यमंत्रियों, अजीबोगरीब इस बार पिछले 20 सालों में पहली बार ऐसा मुकाबला हुआ है, इसलिए श्रेय उन्हीं का जाता है। अरे एक चीज बताइए चमड़ा जी, आप स्पेशली जो चुनाव लड़ते हैं तो आपकी रणनीति रहती है, इस बार क्या खास होगा आपका? हम लोग इंडिविजुअल तो करते ही हैं और अपनी रणनीति करते ही हैं, क्योंकि हमारा अपना विधानसभा होता है जिसको जीतना होता है, बट ओवरऑल तो गवर्नमेंट बनाना होता है और गवर्नमेंट बनाने में डेफिनेटली इस बार का एक यूनिक सर्कमस्टेंसेस रहा है और इन दोनों व्यक्तियों का बहुत ज़्यादा परिश्रम और मेहनत किया जाना और कॉन्फिडेंस ऐसा रिजल्ट लाया है। दादा, गुमला के विकास को लेकर इस बार क्या नई लकीर खींची जाएगी? हम लोग बात करेंगे। आपकी प्रायोरिटी क्या होगी सो बता दीजिए इस बार। हमारी प्रायोरिटी देखिए कुछ होता नहीं है, हम लोग इंडिविजुअल है, क्षेत्र का है, अगर होती है तो गवर्नमेंट और गवर्नमेंट के द्वारा बनाई गई पॉलिसी तो वो चीज़ मायने रखती है, तो उस पर हम लोग प्लान करेंगे। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।